दोस्तों आज हम जानेंगे कि आखिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, साथ ही एमएसपी और एपीएमसी मार्केट में क्या अंतर है। पहले जान लेते हैं करंट बिल के बारे में। करंट बिल के अंदर तीन स्टेप दिए हुए हैं। पहला लोकल मार्केट, जिसमें किसान अपनी फसल को पास वाली मंडी में खुद जाकर दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक किसान ने अपने खेत में टमाटर की फसल लगाई है, अब वो टमाटर को बेचने के लिए अपने यहाँ की लोकल मंडी में जाता है और वहाँ वो उसे दे सकता है, उसमें उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वो बहुत छोटी सी मंडी होती है, अगर किसान के पास ट्रकों से टमाटर है और उसे जल्दी माल बेचना है तो उसे बड़े बाजार जाना होगा। इस बड़े बाजार को ही एपीएमसी कहते हैं, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसे दिल्ली, पंजाब और यूपी के लोग मंडी कहते हैं। वहीं कई दूसरे राज्यों में इसे बाजार समिति के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर क्वालिटी चेक करके किसान की फसल को लिया जाता है। वो सरकार की तरफ से हर स्टेट में होती है। जैसे दिल्ली में आजादपुर मंडी है, वहां पर बड़े बड़े होलसेलर बैठे होते हैं और साथ में बिचौलिया भी होते हैं, जो कुछ परसेंटेज लेकर किसानों की फसल खरीद लेते हैं। यहाँ आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा और भी तरह की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर बोली भी लगाई जाती है, जो ज़्यादा बोली लगाता है किसान उसे अपनी फसल को दे देता है। उसमें किसान को कुछ टैक्स भी देना पड़ता है। हमारे देश में टोटल 6500 सरकारी मंडियाँ हैं। अब जानते हैं एमएसपी क्या है। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। सरकार मार्केट में फसल आने से पहले ही उसके मिनिमम रेट फिक्स कर देती है, उसे ही एमएसपी कहते हैं। जैसे गेहूं का रेट सरकार फिक्स कर देती है, गेहूं का कम से कम प्राइस 2000 रुपये प्रति क्विंटल होगा। उससे नीचे एपीएमसी की मंडी में खरीद फरोख्त नहीं होगी। अगर एपीएमसी मंडी में किसान की फसल का ठीक दाम नहीं मिल पाता तो किसान सरकार को अपनी फसल बेच सकता है उसी एमएसपी रेट में, क्योंकि सरकार आपकी फसल की गारंटी देती है। एमएसपी को सीएसीपी जारी करती है और सीएसीपी का मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है। इस मंडी में किसान से अनाज और चावल खरीदे जाते हैं। इन्हें एफसीआई मंडी के नाम से जाना जाता है, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई मंडी में ओनली एमएसपी रेट पर ही खरीदारी होती है। उनके बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहाँ किसानों का अनाज रखा जाता है। एफसीआई मंडी केंद्र सरकार के अधीन आती है। अब जान लेते हैं नए बिल के बारे में जिनका विरोध किसान कर रहे हैं। ये तीन बिल हैं जिनका विरोध किसान कर रहे हैं। अब एक एक करके इन बिलों को समझ लेते हैं। पहला है व्हाट इज द एसेंशियल कम्युनिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल में कहा गया है कि आपको छूट दी जाती है किसी भी खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले सामान के भंडारण की, जिसमें दालें, तेल, प्याज, आलू, गेहूँ, चावल और भी तरह के सामान की। इसमें बड़े बड़े व्यापारी के साथ किसान को भी भंडारण की छूट दी गई है। अब बड़े व्यापारी तो आराम से अपने गोदामों में आलू, प्याज, तेल और भी सामान का भंडारण कर सकते हैं, लेकिन किसान कैसे करेगा, क्योंकि किसान के पास तो इतने पैसे होते नहीं कि वो भंडारण कर ले और अगली फसल भी लगा ले। पहली फसल बेचकर ही किसान उसका पैसा अगली फसल में लगाता है, वो बेचारा कहाँ से भंडारण करेगा। ऐसा करेगा तो वो कर्जदार और हो जाएगा, साथ में अगली फसल कहाँ से लगा पाएगा। इस बिल से किसानों को तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, बड़े व्यापारी को हो सकता है। जैसे बड़े बड़े व्यापारी प्याज को अपने गोदामों में जमा कर लेंगे, फिर रेट ज़्यादा होने पर बाहर निकालकर बेचा करेंगे। हर बार ऐसा ही होगा, क्योंकि कानून उनको ये करने की इजाज़त देता है। इससे कालाबाजारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप इसमें दो ही समय भंडारण नहीं कर सकते। पहला, युद्ध के समय, जैसे देश में युद्ध जैसे हालात हो और हमारा देश किसी से लड़ाई लड़ रहा हो। दूसरा, आपातकाल के समय, जैसे जो अभी कोविड चल रहा है, ऐसे टाइम भी आप भंडारण नहीं कर सकते। अब समझ लेते हैं कि पुराना कानून क्या कहता है, हमें इसकी इजाज़त देता है या नहीं। ये कानून 1955 से पहले भी था। उस टाइम भी जमाखोरी ज़्यादा थी, इसलिए नेहरू जी ने आर्टिकल 33 की मदद से 1955 में इसे संसद में नया कानून बनाया। और उस कानून में था कि आप एक तय सीमा के अंदर ही अपने गोदामों में एसेंशियल चीज़ें रख सकते हो। तय सीमा से ज़्यादा हुई तो आपको जेल जाना पड़ेगा, उस पर केस बनेगा और क्रिमिनल कार्रवाई होगी। मगर नया कानून इसका उल्टा ही है। आपको हर तरह की छूट है, आप कितनी भी कालाबाजारी कर सकते हो। पहले भी होता था, कम मात्रा में, क्योंकि उनको कानून का डर था। लेकिन यह बिल आ जाने से वो डर भी खत्म हो जाएगा और खुलेआम कालाबाजारी होगी, जिससे रेट आसमान को छू लेंगे। अब आप पर छोड़ते हैं, कमेंट करके बताना यह बिल अच्छा है या नहीं, यह पहला बिल अच्छा था। अब बात कर लेते हैं दूसरे बिल की। दूसरा बिल क्या कहता है, व्हाट इज फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। इस बिल का संबंध सीधा कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग से है। बिल तो अच्छा है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। पहले जान लेते हैं इसकी अच्छी बातें। ये बिल आपको इजाज़त देता है कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग की। जैसे यूपी और दिल्ली के लोग अपने खेत को बटाई पर दे देते हैं दूसरे लोगों को,
वो उसमें खेती करते हैं, हर काम उसका होता है, लेकिन आधी फसल का मालिक जिसकी ज़मीन है वो होता है। ये काम बिना लिखा पढ़ी के हो जाता है, बस भरोसे के ऊपर। लेकिन ये कानून आ जाने से उसे और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और अब सीधा कंपनी जिसका खेत है उससे बात करके सारा माल पहले ही फिक्स कर लेगी। जैसे मान लीजिए रिलायंस वाले को 1,00,000 टन आलू चाहिए, तो वो अब सीधा जिनकी ज़मीन है उनसे बात करके और रेट पहले ही फिक्स करके उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मंडी में 20 रुपये किलो आलू चल रहे हैं, तो किसान उससे 25 रुपये किलो आलू कह सकते हैं। अगर दोनों में सहमति बनती है रेट को लेकर, तो रिलायंस वाले किसानों को पहले ही कुछ एडवांस दे देंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। किसानों को इससे यह फ़ायदा होगा कि उन्हें 6 महीने पहले ही पैसे मिल जाएंगे और उन्हें मुँह मांगा रेट भी मिल जाएगा। उनके दोनों हाथों में लड्डू होंगे, क्योंकि अगर आलू के दाम कम भी हो जाते हैं तो भी किसानों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट 25 रुपये किलो में हो रखा है। इसमें नए नए प्राइवेट कंपनी आएंगी और बोली लगाएंगी, जिससे किसानों के फसल के रेट और ज़्यादा बढ़ेंगे। ऐसे ही मान लीजिए पार्ले जी कंपनी वाले को गेहूं चाहिए होगा, तो पूरे गांव से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि रेट फिक्स कर लो और एडवांस ले लो और आने वाली फसल हमारी होगी। आप सोच रहे होंगे बिल अच्छा है, सिक्योरिटी और पैसे पहले ही मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें भी झोल है। अब हम आपको 3 ऐसे कारण बताएंगे जिनके कारण इस बिल का विरोध हो रहा है। पहला, मान लीजिए कंपनी ने आलू के लिए बोल दिया और 6 महीने बाद आलू के रेट सस्ते हो गए, क्योंकि सभी ने आलू की फसल एक साथ लगा दी थी। अब बाजार में आलू का प्राइस 10 रुपये पर किलो हो गए हैं और कंपनी ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि अगर वो लेते हैं तो उन्हें 25 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा। अब ऐसे में किसान सिर्फ 2 ही जगह जा सकता है, काउंसलिंग में या SDM के पास। अगर वो काउंसलिंग में जाएगा, वहाँ उसका फैसला नहीं हो पाया, तो वह SDM के पास जाएगा। अगर वहाँ भी बात नहीं बन पाई तो वह कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि इस बिल के अनुसार उसे कोर्ट जाने का अधिकार नहीं। उसे SDM की ही बात माननी पड़ेगी, चाहे फैसला उसके हक में हो या नहीं। दूसरा, मान लीजिए कि किसानों ने अपनी आलू की फसल को कंपनी को दे दिया, लेकिन कंपनी ने पैसे नहीं दिए, तो अब किसान SDM के पास जाएगा सुनवाई के लिए, लेकिन क्या SDM पर 100% भरोसा करा जा सकता है कि वो सही फैसला सुनाएगा? वो बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसे भी ले सकते हैं, ये भी एक डर है किसानों का। तीसरा, कंपनियों के पास बहुत बड़े बड़े वकीलों की फौज होती है, इसलिए वो हर कॉन्ट्रैक्ट को अपने अनुसार बनवा सकते हैं ताकि कंपनी को कोई नुकसान ना हो। ये काम वो बड़ी चालाकी से कर सकते हैं, क्योंकि हर किसान पढ़ा लिखा नहीं होता। अगर पढ़ा लिखा भी होगा तो उसे कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, इसलिए कंपनी इस बात का भी फायदा उठा सकती है। और साथ ही किसान अपने साथ कुछ गलत होने पर भी वो सिर्फ SDM ऑफिस तक ही जा सकते हैं, उन्हें कोर्ट जाने का अधिकार नहीं इस कानून में। लास्ट बिल है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। इस बिल के जरिए सरकार बिचौलियों को ख़त्म करना चाहती है। साथ ही इस बिल में कहा गया है कि किसान अपनी फसल को किसी को भी दे सकते हैं, यानी APMC मंडी के अलावा भी किसी को भी दे सकते हैं। कोई सरकार से ये पूछे कि पूरी इंडिया के किसान क्या APMC मंडी में ही अपनी फसल को देते हैं? एक सर्वे में पता चला है कि सिर्फ 6% किसान ही फसल को APMC मंडी में बेच पाते हैं, बाकी 94% किसान इधर उधर ही बेचते हैं, क्योंकि उन्हें APMC मंडी में सुविधा नहीं मिल पाती और उनकी फसल का सही रेट नहीं मिलता। इस बिल के कारण प्राइवेट कंपनी आ जाने से MSP खत्म होने का डर है। अगर MSP का कानून नहीं बना तो जैसे हरियाणा के किसानों को अपनी मक्का सिर्फ 600 रुपये प्रति क्विंटल बेचनी पड़ी, ऐसे ही गेहूं का हाल होगा, क्योंकि मक्के की MSP उस टाइम 1,850 रुपये चल रही थी, फिर भी उस किसान को अपनी फसल 600 रुपये प्रति क्विंटल बेचनी पड़ी, क्योंकि MSP कानून में नहीं थी। अगर होती तो उसे भी 1,850 रुपये तो मिलते ही, क्योंकि MSP से नीचे कोई खरीद नहीं सकता, ये सरकार का कहना है। जो किसान विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि MSP को कानून में लाया जाए ताकि उनकी फसल का सही दाम मिल सके। अब जानते हैं कि MSP और कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में क्या अंतर है। पहले MSP पर बात कर लेते हैं। जैसे सरकार ने इस साल गेहूं की MSP 2,000 रुपये प्रति क्विंटल रखी और बाजार में तेजी आ गई और मंडी में गेहूं की कीमत 2,400 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। आप ही बताइए कि किसान अपनी फसल को कहां बेचेगा? किसान अपनी फसल को वहां बेचेगा ना जहां उसे फायदा हो, तो वो MSP पर ना देकर APMC मंडी में दे सकता है, क्योंकि MSP पर छूट होती है, आप कहीं भी अपनी फसल को दे सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में भी यही होता है, पहले रेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन रेट में तेजी आने पर भी किसान को अपनी फसल को पहले वाले रेट में ही देना होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में किसान को MSP की तरह आज़ादी नहीं है, उसे 2,000 रुपये प्रति क्विंटल ही देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप इस बिल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं
या आपके मन में कुछ आशंका है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस।